हरे कृष्णा, कैसे हैं आप सब? आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है एक और नए ब्लॉग में। तो आज है बिप्लब का सेकेंड डे और आज का शेड्यूल इस तरीके से था कि आज 5 बजे से परिक्रमा हम लोगों को करना था 5 से 10 तक। 5:30 हो चुका है क्योंकि थोड़ा लेट हो गया था जागने में। और एक रूम में 8-8 लोग हैं यहाँ, तो 8 लोगों का एक कॉमन बाथरूम था तो थोड़ा टाइम तो लग ही जाता ना। वैसे सारे लोग जा चुके हैं, मैं अकेले था यहाँ पर। अभी मैं भी निकल रहा हूँ, दिखाता हूँ परिक्रमा। ऐसे मैं अकेले नहीं हूँ, बहुत सारे लोग अभी यही हैं। अभी हम जा रहे हैं यहाँ से, लेट हो चुका था इसी के चलते हमने ई रिक्शा लेने। तो यहीं पर हम स्टे कर रहे हैं। पिछले ब्लॉग में भी मैंने दिखाया था जब फर्स्ट टाइम वृंदावन आया था, तो यही इससे थोड़ा सा आगे गया था और फिर लौट के फिर मैंने गया था गोवर्धन, थोड़ा दिक्कत हो गया था। ये है सुबह सुबह का समय और ये है परिक्रमा मार्ग। ई रिक्शा लेने का कोई फायदा नहीं हुआ, वो तो खराब हो गया। फिर भी उसको 10-10 रुपये सब लोग ने दिए, टोटल 6 लोग थे, 60 हुआ। बट अब क्या कर सकते हैं। और आवाज क्लियरली सुनाई दे रही है, तो बस थोड़ी देर और फिर कुछ देर में हमें वहां पर। तो मेन टीम को हम अब ज्वाइन कर चुके हैं और आपको दिखाता हूँ मेन टीम। वो जो आप साउंड बॉक्स देख रहे हैं वहां पर है सब मेन टीम, और इतने दूर में तो ये था संकर्षण कुंड, काफी पुराना कुंड है। बड़ी परिक्रमा करते वक्त ये सबसे पहला जो वेन्यू है जो हम लोग को मिलता है, ये बहुत ही प्राचीन काल का बना हुआ है। अभी 6:41 हो रहा है और लगभग धूप निकल चुकी है, तो अभी जो हल्का फुल्का ठंड लग रहा था वो अब नहीं लगेगा।
नंगे पैर 21 किलोमीटर चलने का फैसला तो कर लिया हूँ, बट देखिए, क्योंकि पिछली बार भी सोचा था कि जाएंगे, बट पिछली बार का कंडीशन कुछ और था, इस बार का कंडीशन कुछ और है। पिछली बार मैं अकेले था, इस बार मैं अकेले नहीं हूँ, बहुत बड़ी टीम है, 7,500 से ज़्यादा बड़ी टीम है इस बार। फिर भी मैं अकेले हूँ, बट एक थे राजस्थान के, जयपुर के प्रो जी साथ में थे, वो अभी अपने टीम के पास कुछ डिस्कशन करने गए, और राजस्थान का बॉर्डर भी दिख गया, तो मैं दिखाता हूँ आपको। राजस्थान और यूपी के सड़कों में भी बहुत ज़्यादा अंतर है, तो अगर आप राजस्थान में चलते हो तो आपको इस तरह का सड़क मिलेगा, और वहाँ यूपी में चलोगे तो पीछे वाला, वो जो ब्लैक ब्लैक होता है, तो इतना बहुत सब कुछ बदल जाता है जब बॉर्डर अगर आप क्रॉस करते हैं, तो चाहे स्टेट का हो चाहे देश का हो। जैसा कि मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था इस मंदिर का क्या इम्पोर्टेंस, तो यहाँ पर अगर आप कोई भी आपका मन्नत है, क्या उसको बोलते हैं मन्नत है यार, हाँ, मनोकामना जो होती है वो पूर्ण हो जाती है, बनाने के बाद पूर्ण होती है, बनाने के बाद इसको बनाते हैं, बना के जाते हैं, जब पूरा होता है ना, हाँ, जब आते हैं, बना के जाओ, यहाँ पर बना के जाते हैं तब पूरा होता है। ओके, तब पूरा। ओके, तो मान्यता ये है कि ये जो स्वास्तिक है इसको बनाते हैं, और वो मनोकामनाएं या मन्नत मांगते हैं, और उसके बाद पूरी हो जाती है, और पूरी होने के बाद फिर से लोग यहाँ पर आते हैं दर्शन करने। और अगर यहाँ ज़्यादातर यहाँ पर अगर आपको इशू है, अगर आपका बच्चा नहीं हो रहा है या शादी नहीं हो रहा है, तो वो सब मनोकामना और जल्दी पूरी होती है। क्या किसी के भी लिए कैसी भी मनोकामना हो तो पूर्ण होता है। तो ये जो आप सामने देख रहे हैं, अभी हम लोग राजस्थान से यूपी में इंटर करेंगे, और राजस्थान पीछे ख़त्म, यूपी शुरू। इनका भारी नुकसान कर दिया इन बंदरों ने। Thank you.
आगे चली ना जाए, जितने भी बच्चे आगे जा रहे हैं सब वापिस आके प्रसाद के लिए जाए, वहां से कोई आगे नहीं जाएगा, सब अंदर जाइए। इस्कॉन गोवर्धन रेस्टोरेंट सेंटर में